गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक फैट सोल्यूबल कंपाउंड विटामिन्स, जैसे कि विटामिन बी एंड सी। तो पहले लेते हैं विटामिन बी। विटामिन बी इज ए वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, इसमें इंक्लूड B1, B2, B5, B6 एंड B12 एंड फोलिक एसिड। अदर विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप हुज फंक्शंस एंड न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ नॉट फुली अंडरस्टूड आर पैंथोजेनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, बायोटिन, केराटिन, इनोसिटोल, कोलिक एसिड। विटामिन बी कॉमनली एज बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में से बताया मैंने आपको, इट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। दिस सर्व कोएंजाइम, कोएंजाइम जैसे इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू आर नॉट फुली अंडरस्टूड, बट पेंटोजेनिक एसिड जैसा कि पैरा अमोनियो बेंजोइक एसिड है, बायोटिन है, केटिनिन है, इनोसिटोल है या कोलिन, दे सर्व कोएंजाइम्स। अब ए क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, तो पहला है एनर्जी यील्डिंग, दूसरा है होम्योप्योटिक एंड अदर्स। तो एनर्जी यील्डिंग में B1 यानी थियामिन, B2 यानी इबोफ्लेविन, B3 नियाशिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B7 बायोटिन। नेक्स्ट है होम्योप्योटिक यानी B9 फोलिक एसिड एंड B12 कोबालामाइन, B6 पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल या पायरोडॉक्सलोमाइन, ये अदर्स में आ गए। विटामिन बी डेफिशिएंसी के कॉज क्या क्या होते हैं? तो पहला है इनएडिक्वेट इंटेक, ये पॉवर्टी, फॉल्टी कुकिंग हैबिट्स, लॉसेस ड्यू टू स्टोरेज प्रोसेसिंग, बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम। दूसरा सेकंड इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, क्रॉनिक डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। थर्ड मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे कि जेनेटिक एबिलिटी, इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रेशन, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एडोलेसेंस, ड्रग इंड्यूस्ड एंटागोनिज्म। फोर्थ है डिप्लेटेड स्टोर, वो न्यूट्रिशन टेस्ट फॉर मदर एंड ड्रग इंड्यूस्ड डिप्लेशन। विटामिन बी वन फंक्शंस, विटामिन बी एक थियामिन विटामिन है। B1 हेल्प द बॉडी सेल्स चेंज कार्बोहाइड्रेट इंटू एनर्जी। द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी द बॉडी, स्पेशली द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। थियामिन ऑल्सो प्ले ए रोल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल्स। थियामिन इज एसेंशियल फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ पाइरूवेट। डेली रिकमेंडेड जो डोज होती है विटामिन B1 की मेल्स, यानी मेल्स में एज 14 एंड ओल्डर 1.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, फीमेल्स में 1.0 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, फीमेल्स एज 19 ओल्डर 1.1 मिलीग्राम डे के हिसाब से, 1.4 मिलीग्राम नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। विटामिन बी डेफिशिएंसी के जो कोज है, कारण से क्या क्या जो डिफिकल्टीज होती है बॉडी के अंदर, उनमें पहली है थियामिन इज रेपिडली लॉस्ट ड्यूरिंग मिलिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग ऑफ राइस। दूसरा प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, लो इनटेक इन एडल्ट्स, एग्जांपल बिलो 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन इज ए बेरीबेरी विच इज ए डिजीज मार्क बाय पेरिफेरल न्यूरलगिया, सेरिब्रल एंड कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेरीबेरी। फर्स्ट ड्राई बेरी बेरी, द सिम्टम आर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम सच एज पेरिफेरल न्यूरोटिस, टेंडरनेट्स इन काल्फ मसल्स, पेन, नमनेस एंड टाइटनिंग सेंसेशन। सेकेंड वेट बेरी बेरी, ऑल्सो नाउ एज कार्डिक बेरी बेरी, हार्ट इज इन्वॉल्व एंड साइन ऑफ सिम्टम इंक्लूड डिस्पनिया, साइनोसिस, टेकिकार्डिया, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, इडिमा ऑन एक्सट्रीमिटीज एंड पुलमोनरी कंजक्शंस। थर्ड है इन्फेंटाइल बेरी बेरी, इन अकर्स इन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स बिटवीन टू एज 2 to 5 months। इट इज ड्यू टू लो थियामिन कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इट मे अकर्स एज ए एक्यूट कार्डिक फ्रॉम ऑप्शन पार्टिसिपेटेड बाय इन्फेक्शन एंड डेथ ऑफ लेफ्ट अनथ्रेटेड। फीचर्स आर रेस्टलेस, लॉस ऑफ स्लीप, पफिनेस, कन्वर्जेंस एंड पल्पेशन।
Breaking encephalopathy occurs in the chronic alcoholism as a complication of thiamine deficiency. It is characterized by confusion state, polyneuropathy, ataxia, mental deteriorations. Beriberi due to vitamin B deficiency. This diagram, treatment. 10 to 12 mg of thiamine is administered IM 2 to 3 times a day in wet beriberi and breakneck encephalopathy. Subsequently, 50 mg to 100 mg per day for about a month is given. Infantile beriberi is treated with 2 to 5 mg thiamine within few hours. In severe infant must be 20 mg thiamine IM. Mother should be received 10 mg thiamine twice daily. Chronic beriberi requires prolonged therapy. Food sources of thiamine या विटामिन B1 थियामिन फाउंड एनरिच्ड फोर्टिफाइड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स सच एज जैसे ब्रेड क्रेल्स राइस पास्ता एंड फोलो वेट जर्म्स गेहूँ बीफ लीवर एंड पोर्क ड्राइड मिल्क एग लिगम्स एंड पीस नट्स एंड सीड. नेक्स्ट है विटामिन B2 फंक्शंस यानी विटामिन B4 फ्लेविन works with the other B, vitamin B. It is important for body growth and red blood cells production. It also aids in the release of energy from proteins. Vitamin B2 or riboflavin deficiency, it may occur due to inadequate intake of malabsorption intakes. It takes 1 to 2 months to develop and usually associated with other vitamin deficiency. Clinical symptom of विटामिन B2 ओरिनोगल मैनिफेस्टेशन एंगुलर स्टोमोलाइटिस ग्लोसाइटिस अर्ली सिम्टम इंक्लूड सोरेनेस एंड बर्निंग ऑफ द माउथ एंड टंग डर्मल लीजन्स फेशियल एंड स्कोटल डर्माटाइटिस इज कॉमन फिशरिंग द स्किन एज द स्कोटम इज ऑल्सो प्रेजेंट टंग इन्फ्लामेशन ड्यू टू विटामिन डेफिशेंसी ocular manifestation redness burning sensation in eye lacrimation and photophobia are present neurological peripheral neuropathy hand grip and motor coordinations are affected hematological manifestation anemia is reported impairment of growth that is vitamin B deficiency the diagram lips and tongue treatment riboflavin 5 to 10 mg is adequate for cream. Sources of vitamin B2, dairy products, eggs, green leafy vegetables, lean meats, organ meats such as liver and kidneys, legumes, milk, nuts. Third, vitamin B3. Yeah, niacin or nicotinic deficiency. It is a deficiency of maize-eating population which is characterized by pellagra. Pellagra is characterized by 4DS, यानी डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया एंड डेथ यानी 4DS प्लेग्रा. दिस डायग्राम यू सीन द विटामिन बी थ्री क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डर्मेटाइटिस फोटो सेंसिटिव रैश फाउंड ओनली ऑन द डस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी दैट आर एक्सपोज टू सनलाइट इफेक्टेड एरियाज आर डर्मिकेटेड फ्रॉम नॉर्मल स्किन विच आर रेड स्वेलन इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन स्किन बिकम्स ड्राई थिक एंड रफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन इज इन्फ्लेम्ड रिजल्टिंग ग्लोसाइटिस स्टोमेटाइटिस गैस्ट्राइटिस एंड एंटेराइटिस डायरिया वेट लॉस न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन insomnia, depression, irritability, apathy, confusion, disorientation, hallucination, delirium. Treatment of vitamin B3. It moderate severe cases of treated by niacin 100 to 300 mg daily. Oral therapy is effective except those with very severe diarrhea. Pellagra is treated a good diet containing adequate amount of protein, niacin and other B complex vitamin 2. Daily recommended allowance males 14 jo older age 16 mg per day के हिसाब से फीमेल्स जो 14 ओल्डर 40 mg per day के हिसाब से या
18 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 17 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, ड्यूरिंग लैक्टेशन। फूड सोर्स ऑफ विटामिन B3 मिल्क, एग्स, अनरिच्ड ग्रेन्स एंड कीरियल्स, राइस, फिश, लीन मीट्स, लिगम्स, पीनट्स, पोल्ट्री। विटामिन B6 और पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी, इट इज़ ए प्रेजेंट मोस्ट फूड ऑफ दस डेफिशिएंसी इज रेयर, इट इज़ यूजली पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। सेकेंडरी डेफिशिएंसी में अकर वेन एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स आर टेकन आइसोनियाजाइड। सिम्टम्स ऑफ विटामिन B6, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेलेग्रा लाइक सिंड्रोम, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस इन सीवियर केसेस इन एडल्ट्स कैन कॉज डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन्स। ट्रीटमेंट ऑफ B6, ओरल लीजन ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस कैन बी ट्रीटेड विद 10-20 मिलीग्राम विटामिन B6 गिवन ओरली ऑफ पेरिफेरल रूट। पायरोडॉक्सिन्स डिपेंडेंट सिंड्रोम रिक्वायर्ड 15-200 मिलीग्राम पायरोडॉक्सिन और क्लिनिकल रिकवरी। सोर्स ऑफ विटामिन B6, एवोकाडो, बनाना, लेगम्स, बीफ एंड पोर्क, नट्स, पोल्ट्री, होल जर्न्स एंड फोर्टिफाइड क्रेल्स, कॉर्न। विटामिन B12 और साइलोकोबालामाइन। विटामिन डिफिशेंसी आल्सो नाउ इज हाइपोकोबालामाइन रेफर्स टू लो ब्लड लेवल्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व। रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन मेनली इन पर्सन हु रिस्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड विटामिन। कॉज एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस इन विच स्टोमक लाइनिंग हैज टिंट। सर्जरी दैट रिमूव पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग वेट लॉस ऑफ सर्जरी। कंडीशंस अफेक्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सच एज क्रॉन्स डिजीज, बैक्टीरिया ग्रोथ और पैरासाइट। हैवी ड्रिंकिंग, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एसिड रिड्यूसिंग ड्रग स्टोमक एसिड हेल्प द ब्रेक डाउन एनिमल्स प्रोटीन्स दैट हैव विटामिन B12। वेजिटेरियन नॉट ईटिंग मीट, मिल्क, चीज एंड ईग्स, और ए वेजिटेरियन हु डज नॉट ईट अनफ ईग, डायरी प्रोडक्ट्स मीट योर विटामिन B12 नीड्स। डेफिशिएंसी कॉजेज ऑफ विटामिन B12, द मेन सिंड्रोम विटामिन B12 डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइड ऑफ सिंड्रोम, एनीमिया विद बोन मेरो, प्रोमेगलोब्लास्टोसिस, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। दिस इज ड्यू टू इनहिबिटेशन ऑफ DNA सिंथेसिस, स्पेशली पुरनेस एंड थायमाइन। क्लीनिंग मेडिसेशन, पेल आकर ऑफ स्किन, सोरनेस ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, प्रोग्रेसिव वीकनेस, वेट लॉस, डिसनिया एंड एक्सट्रेशन ऑफ पल्पेशंस, नमनेस एंड टिंगनिंग सेंसेशन इन लेग्स एंड हैंड्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, अल्टरेशन ऑफ बोवल मोटिलिटी सच इज माइल्ड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ ब्लडर एंड बोवल कंट्रोल। सेकेंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, सेंसरी ऑफ मोटर डेफिशिएंसी, अब्सेंट रिफ्लेक्सेस, डेमिनिश वाइब्रेशन और सॉफ्ट टच सेंसेशन, सब एक्यूट कॉम्बैट डिजेरेशन, स्पाइनल कॉर्ड सीजर्स और इवन सिम्टम ऑफ डेमेंशिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड वेट लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 ओरली अलोंग फोलिक एसिड सप्लीमेंटेड ओवर एवरेज डोज 50-100 μg पर डे एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। फॉर न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 1000 μg आयरन इंजेक्शन ट्वाइस ए वीक इन फर्स्ट वीक, देन 1000 μg वंस ए मंथ थ्रू आउट लाइफ विद इन पीरियोडिक ब्लड चेकअप। सोर्सेज ऑफ विटामिन B12, ऑर्गन्स, मीट्स, सेलफिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स एंड अदर्स डाइटरी फूड्स, सम ब्रेकफास्ट क्रियर्स एंड न्यूट्रिशन ईस्ट। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और फोलेट्स या फोलासिन डेफिशिएंसी यूजली अकर्स प्रेगनेंसी एंड अल्कोहलिक पीपल। साइन ऑफ सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी आर इरिटेबिलिटी, मेंटल सलिगिनेसनेस, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ग्लोसिस्टिस एंड सिलोसिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्कल डेवलपमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेशन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ट्रीटमेंट ऑफ 5 mg फोलिक एसिड विद आयरन वंस ट्वाइस एंड 3 times a डे थ्रू आउट प्रेगनेंसी टिल 6 weeks आफ्टर डिलीवरी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज सीवियर एनीमिया इन नियर टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, RDA, एडल्ट
4 माइक्रोमिलीग्राम पर डे। सोर्सेस डार्क ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ड्राइड बीन्स एंड पीन्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस। थैंक यू एवरीवन, दिस इज टॉपिक इज कंप्लीट। विटामिन बी में B1 जो ग्रुप्स है, विटामिन B1, B2, B5, B6, B12 एंड फोलिक एसिड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक विटामिन सी वाटर सोल्युबल विटामिन में। विटामिन सी इज ए वाटर सोल्युबल विटामिन एंड मोस्ट सेंसिटिव होता है हीट के लिए। इट इज ए रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन्स एंड इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स इन टीथ, बोन्स एंड कैपिलरीज। ये हेल्प करता है टिश्यू ऑक्सीडेशन में, मैचुरेशन ऑफ RBC में, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन एंड फेनिलएलानिन। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड वाटर सोल्यूबल विटामिन प्ले इन मेजर रोल इन कोलेजन, कार्टिनिन हार्मोन एंड एमिनो एसिड फॉर्मेशन। इट एसेंशियल ऑफ वाउंड हीलिंग दैन फैसिलिटीज रिकवरी फ्रॉम बर्न्स। विटामिन सी इज आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, सपोर्ट इम्यून फंक्शंस एंड फैसिलिटेट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। सीवियर डेफिशिएंसी रिजल्ट इन स्कर्वी, एबनॉर्मल ऑस्टियोइड, मसल्स वीकनेस एंड इफेक्ट इन डेंटिन फॉर्मेशंस। हीट कैन डिस्ट्रॉय सम द विटामिन सी इन फूड। इट अकर्स व्हेन देयर इज एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि टीथ में डायग्राम में कि विटामिन जो सी की कमी के कारण जो है मैट्रिक्स इन टीथ में इंट्रासेलुलर जो है किस प्रकार से जो कमी होती है। कॉज फॉल्टी कुकिंग हैबिट्स, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स। साइन सिम्टम ऑफ विटामिन सी स्कर्वी, कैरेक्टराइज बाय द स्वेलन ऑफ स्पॉन्जी गम्स विद ए टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग। हेमरेज इन टू स्किन, कैरेक्टराइज बाय पिन हेड साइज, पिटीशियन सबक्यूटेनियस हेमरेज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, हेमरेज इन द बोन जॉइंट एंड देयर स्वेलिंग। एनीमिया, फैटिक वीकनेस ऑफ पेन एंड द लिम्स ऑफ जॉइंट, लूजिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट, इन इन्फेंट पार्टिकुलर ऑफ डियोनेट इन मैनिफेस्ट टेंडरनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड हेमरेज ऑफ द कोस्टोकोंड्रियल कार्टिलेज, फीवर एंड इरिटेबिलिटी। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड इन्फेंट्स, डिलेड बाउंड हीलिंग, इंक्रीज सेंसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस, कन्वर्जेंस में अकर इन्फेंट दैट मे बी कॉज डेथ इन इन्फेंट। डायग्नोस ऑफ द विटामिन सी, एस्टिमेशन ऑफ एस्कॉर्बिक लेवल ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इट विल बी लेस देन 0.1 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। 300-200 mg ऑफ विटामिन सी आर गिवन ओरली डेली टू डिवाइडेड डोजेज फॉर स्कर्वी इन एडल्ट। एस्कॉर्बिक एसिड 100-500 mg पीओटीड इज गिवन एंड 1-2 weeks ऑफ साइन डिसअपीयर एंड फॉलोड बाय द न्यूट्रिशन डाइट सप्लाइंग 1-2 times the daily recommended intake. Prevention and RDA. पहले RDA, daily recommended allowance, जो डोजेज होती है विटामिन सी की, मैन इन एज 19 to older 90 mg 90 mg पर डे के हिसाब से, वुमेन में जो 19 साल की हैं वो 75 mg पर डे के हिसाब से, प्रेगनेंट वुमेन 85 mg से, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन यानी लैक्टेशन पीरियड में 120 mg पर डे के हिसाब से। प्रिवेंशन, स्मोकर्स और दोज हु आर अराउंड सेकेंडरी स्मोक वे एनी शुड बी इंक्रीज डेली अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड एडिशनल 35 mg पर डे। 5 सर्विंग ऑफ द मोस्ट फ्रूट वेजिटेबल्स रिकमेंडेड डेली प्रोवाइड 200 mg ऑफ विटामिन सी। थैंक यू एवरीवन, द कंप्लीट वाटर सोल्युबल विटामिन B and vitamin C.